नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राधिका। कुछ ही दिनों में चंडीगढ़ बर्ड पार्क प्रकृति और पक्षी प्रेमियों की पसंदीदा जगह बन गया है। पार्क को जनता और पर्यटकों से जबरदस्त रिस्पांस मिला है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पत्नी सविता कोविंद ने 16 नवंबर को पार्क का उद्घाटन किया था। चंडीगढ़ में खुले इस बर्ड पार्क को देखने के लिए पर्यटकों की भारी संख्या पहुंच रही है। संडे को यहां भीड़ काफी ज्यादा हो गई। वैसे चंडीगढ़ शहर पहले से ही अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, मॉल, पार्क इन सब के लिए काफी मशहूर है, मगर अब इस शहर को इस बर्ड पार्क के जरिए एक नई पहचान मिल गई है। इट्स वेरी रिफ्रेशिंग, बड़ा रिफ्रेशिंग लगा है बर्ड्स को डिफरेंट टाइप फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड से यहाँ आके, स्पेशली इन आर सिटी, हमारे सिटी में मुझे रिफ्रेशिंग बड़ा लगा है। इट्स ए वेरी गुड आइडिया एंड यहाँ वर्क हार्ड भी बड़ा किया है टू बिल्ड इट अप। इट्स नॉट स्मॉल थिंग एंड बर्ड्स को भी फ्रीडम है, सारा कुछ है एंड दे आर बर्ड्स आर कम्फर्टेबल, सो सर्वाइव करेंगी फॉर लॉन्ग एंड ऑल दिस एंड वेल मेंटेन्ड सीम्स टू बी एंड न्यू आइडियाज़ लगाए हुए हैं एस्ट्रोलॉजी एंड कॉन्स्टलेशन दैट्स एंड मेन थिंग इज कि हमें पेड़ों के नाम की नॉलेज मिलती है। ये बर्ड पार्क यहाँ बनते ही लोगों में काफ़ी जो है बहुत सारा एक्साइटमेंट है और बहुत बच्चे और पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी मात्रा में यहाँ पे भीड़ हो रही है। आपको बता दें कि रॉक गार्डन के बैक साइड में बने इस बर्ड पार्क में 5 साल तक के बच्चों की एंट्री फ्री है और 5 से 12 साल तक के बच्चों को टिकट के 30 और 12 से ऊपर के सभी लोगों को ₹50 खर्च करने होंगे। आप बर्ड पार्क में कई तरह के पक्षियों को करीब से देख पाएंगे। इतना ही नहीं, अफ्रीकन मकाओ को हाथ पर भी बिठा सकेंगे। मकाओ तोते को हाथ पर बिठाकर सेल्फी लेने के लिए लोगों को ₹100 एक्स्ट्रा खर्च करने होंगे। ये पार्क हाल ही में तैयार किया गया है और हाल ही में लोगों के लिए खुला है। पार्क के खुलते ही पर्यटक पक्षियों को निहारने भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। वहीं भीड़ को देखते हुए फैसला लिया गया है कि सोमवार और मंगलवार को छोड़ बाकी दिन बर्ड पार्क सभी के लिए खुला रहेगा। यहाँ कुल 46 प्रजातियों के 550 विदेशी पक्षी रखे गए हैं। भविष्य में पक्षियों की संख्या बढ़ाकर 1500 करने की बात कही जा रही है। अगर आप भी नेचर और बर्ड लवर हैं तो इस पार्क में एक बार घूमने का प्लान जरूर बना सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।